हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फ्री लैपटॉप के बारे में। बिहार में किन किन स्टूडेंट को फ्री लैपटॉप दिया जाएगा या कुछ ही स्टूडेंट को मिलेगा, इस वीडियो में हम लोग फुल जानकारी देने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। बिहार सरकार छात्रों को फ्री लैपटॉप दे रही है। बिहार सरकार द्वारा मुफ्त लैपटॉप स्कीम को शुरू किया गया है। स्कीम के तहत उन्हीं छात्रों को लैपटॉप दिया जाएगा जो अपना जीवन गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर कर रहे हैं। योजना के तहत बिहार में कुशल युवा ट्रेनिंग में भाग लेने वाले छात्र व छात्रों को उनकी ट्रेनिंग की अवधि पूरी होने के बाद मुफ्त में लैपटॉप प्रदान किया जाएगा। योजना को शुरू करने का उद्देश्य गरीब बच्चों को लैपटॉप देना है, जिसके जरिए वे अपनी पढ़ाई ऑनलाइन माध्यम से भी पूरी कर सकें। अब आपको बताते हैं कि इस योजना का लाभ किन्हें और कैसे मिलेगा। लैपटॉप प्राप्त करने के लिए युवा का 10वीं और 12वीं पास होना बहुत जरूरी है। बिहार राज्य के मूल निवासी युवाओं को ही ये लैपटॉप मिलेगा। योजना का लाभ वही ले सकेंगे जो कुशल युवा प्रोग्राम के तहत ट्रेनिंग प्राप्त कर रहे होंगे। सरकारी स्कूल से शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों को लैपटॉप बांटे जाएंगे। राज्य के 30 लाख से ज्यादा बच्चों को लैपटॉप दिया जाएगा। आवेदक के पास योजना का आवेदन करते समय आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, 12वीं कक्षा की मार्कशीट, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र आदि उपलब्ध होने जरूरी है। स्कीम में आवेदन करने के लिए आपको पहले शिक्षा विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वेबसाइट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी पेस्ट कर दिया है। इसके बाद न्यू एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने पंजीकरण फॉर्म खुलकर आ जाएगा। आपको फॉर्म में सभी जानकारियों को भर लेना है और सेंड OTP पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके मोबाइल पर OTP प्राप्त होगा, जिसे आप भर दें और इसके बाद आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड कर दें। सारी जानकारी भरने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपकी आवेदन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी इस वीडियो से आपको सारी जानकारी समझ आ गई होगी। ऐसी ही तमाम और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।